आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपका टॉपिक है 11th मैथ एग्रीकल्चर एक्सरसाइज, फर्स्ट चलेगी बिल्कुल बेसिक से, हर क्वेश्चन को बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे जाके। तो आज हमारा निम्नलिखित करणियों को भिन्नात्मक घातांकों के रूप में जो बुक है हमारी कौन कौन सी है, रामा पब्लिकेशन की बुक है, क्योंकि रामा पब्लिकेशन बुक का कहीं भी सोल्यूशन नहीं पड़ा तो उसके हिसाब से हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, इसको हम करणी के रूप में समझना है। जो भी ने पिछली क्लास नहीं देखी जिसमें हमने फार्मूले डिस्कस किए और स्क्वायर डिस्कस किए हैं, तो आप लोग पिछली क्लास को डिस्कस कर देख लेना, तभी यहाँ पे समझ में आएगा कि स्क्वायर कौन सा फार्मूला कहाँ पे यूज किया गया रखे और कौन चीज़ का कौन सा स्क्वायर था क्यूब का, हम यहाँ पे बताएंगे। लेकिन आप लोग उस क्लास को देख लोगे तो आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। रखे इसे पहला क्वेश्चन लिखा तो इसको हम समझेंगे। रखे हमने वहाँ पे बताया था कि अगर अंडररूट किसी भी संख्या के ऊपर लगा है, अगर अंडररूट, यहाँ पे देखना एक चीज़ क्या हमें देखनी चाहिए है कि जो हमने फार्मूले बताए थे उनको हम यहाँ पे यूज करेंगे। रखे हमने वहाँ पे एक फार्मूला बताया था, अगर किसी संख्या पे रूट लगा है तो 1/2 लगाएंगे, अगर करणी लगी है ऐसे करके तो क्या लगाएंगे, 1/3 लगाएंगे। अब वही इसी रूल को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या है, यक्स की पावर 6। अब यहाँ पे क्या करणी लिखा है तो 1/3, ओके, फिर मल्टीप्लाई वाई की पावर 2, 1/3। फिर से देखो इसको हम रेजर करके रखें, जो चीज समझ, अंडर रूट हटाने के लिए यहाँ पे करड़ी लगी है तो हमने क्या किया रखे, 3 है तो हमने 1/3 किया, अगर यहाँ पे करड़ी नहीं होती रखे तो 1/2 करते रखे। फिर y कोई भी चिन्ह जहाँ पे नहीं होता वहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह होता रखे, फिर हमने y का स्क्वायर और अंडर रूट लिखा है पूरे पे तो 1/3 क्योंकि करड़ी है 3। आज समझ में, अब हम क्या करेंगे रखे, 3×2=6, ओके, तो हमारे पास क्या होगा रखे, x स्क्वायर ठीक गुड़े, अब 2 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 2 ही रहेगा रखे, तो y की पावर 2/3। तो इसको हम अगर डिफाइन करेंगे रखे, x स्क्वायर y 2/3 हमारा करेक्ट आंसर। वो सिंपल क्वेश्चन लेकिन हमें समझ में आने चाहिए। हमने क्या किया रखे, एक बार फिर से देखना, रूट लगा है करणी पे तो हमने क्या है 1/3, उसके बाद y का स्क्वायर 1/3, फिर हमने क्या किया रखे, इनको सॉल्यूशन किया रखे कि 1/3 3×6 x स्क्वायर मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई का इसे 2 की 1 में मल्टीप्लाई किया तो 2/3 इधर हमारा करेक्ट आंसर आ गया। अब हम चलेंगे जाके सीक्रेट आंसर पे, हम किस हिसाब से करेंगे जाके, तो आप लोग पहले इसको उतार लीजिए और साथ ही साथ अच्छे स्टूडेंट की खासियत है कि वो नोट्स बनाते हुए चलते हैं। आप लोग जितने क्वेश्चन पूरी बुक का सोल्यूशन कराएंगे जाके इसी चैनल पे, तो हम पूरी बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं बाकायदे एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर के हिसाब से हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जाके, तो आप लोग पेन और कॉपी साथ में लेके बैठे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, साथ में देखना जाके अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हमें क्या देखना जाके चीजें कि अगर किसी संख्या के ऊपर रूट पे रूट लगा है, क्या लगा है रूट के ऊपर रूट लगा है तो हम किस उसको किस हिसाब से करेंगे रखें। हमने बताया था कि अगर किसी संख्या के ऊपर रूट लगा तो 1/2 लगाएंगे, अगर डबल रूट लगा है रखे, अगर डबल रूट लगा रखे हैं तो हम क्या करेंगे रखें कि उसको फिर से 1/2 से गुणा करेंगे रखें, अगर यहीं पे ट्रिपल रूट लगा होता रखें तो उसी संख्या पे फिर से 1/2 करते हैं, मतलब जितने रूट हैं उतने 1/2 1/2 1/2। अब इस क्वेश्चन को देखो आप लोग, यही तो क्वेश्चन है, अब हमें 1/8 लिखा है, अब कितना रूट है 1, तो हमने क्या लगा 1/2, फिर कितना रूट है 1/2, रूट कितने हैं उतनी बार हम 1/2 लगाएंगे रहते हैं। अब देखो 2×4×8, तो इसको हम डिफाइन कर सकते रहते हैं, 1 की पावर 8, 2×4×8 1/8, 8 से 8 कैंसिल, तो 1 की पावर 1 मतलब 1 कैंसिल, हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर से देखो हमने क्या किया रखे, जितने रूट हैं उतने 1/2 लगा रखे, इधर देखो एक रूट है 1/2, दूसरा रूट है 1/2, तीसरा रूट है 1/2, जितने रूट उतने रूट, फिर 2×4
चार दूनी आठ, आठ से आठ कैंसिल हो गया, रखिए ये आ गया कैंसिल हमारे करंट में सर। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखो, तो आप लोग इसको भी रिजल्ट कर लेना रखिए, तो साथ ही साथ आप लोग नोट्स बनाते रहिए क्योंकि बिल्कुल अच्छे तरीके से, और जिसको भी ना समझ आए वो कमेंट करके पिंकर से पूछ सकते हैं, और अगर किसी को ऑफलाइन कोचिंग पढ़नी है औरंगाबाद में तो मेरा संपर्क कर सकते हैं 9369044421। आप लोग इस पर व्हाट्सएप कॉल के जरिए इंफॉर्मेशन ले सकते रहते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे रखिए, थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रखिए, वन का थर्ड क्वेश्चन। अब वन का थर्ड क्वेश्चन क्या था हमारा, इधर देखो, अब हमने क्या बताया, बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे रखिए, डब्ल्यू लिखा हमने क्या क्या रखिए, अब इसको हम इधर से करें या इधर से करें, अब देखो इधर से करेंगे रखिए, क्या लिखा है यक्ष, यक्ष पे कितने रूट हैं एक, तो एक बटे दो, वाई पे कितने रूट हैं एक और दो, तो क्या लगाएंगे पॉइंट या मल्टीप्लाई, वाई एक बटे दो मल्टीप्लाई एक बटे दो, फिर क्या लगाएंगे जेड पे कितने रूट हैं एक दो तीन, एक बटे दो मल्टीप्लाई एक बटे दो मल्टीप्लाई एक बटे दो। अब डब्ल्यू पे कितने रूट हैं एक दो तीन चार, तो डब्ल्यू पे क्या लिखेंगे रखे मल्टीप्लाई डब्ल्यू एक बटे दो एक बटे दो एक बटे दो एक बटे दो। अब इनको हम सॉल्यूशन करेंगे, देखो क्या आएगा एक्स पावर एक बटे दो, अब देखो वाई की देखो दो दूनी चार, इधर देखो दो दूनी चार, तो वाई कितना आगे रखे एक बटे चार, फिर जड़ कितने हैं दो दूनी चार, चार दूनी आठ, तो जड़ कितनी आगे रखे एक बटे आठ, उसके बाद W कितने हैं दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी सोलह, तो W कितना आगे रखे एक बटे सोलह, तो यही हमारा क्या होगा रखे करेक्ट